जी नाजरीन, मेरा नाम रोमना राशिद है। मैं एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हूँ। 2016 में मैंने साउथ एशियन गेम खेली थी इंडिया में, और अब जो है मैं वीमेंस को एम्पावर कर रही हूँ। FGA के ग्राउंड में पहली बार यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होने को जा रही है। यहाँ पे बच्चों और वीमेंस के लिए, स्पेशली वीमेंस के लिए हम इस वीडियो को ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं वीमेंस को स्पोर्ट्स के ज़रिए। और इनमें से काफ़ी बच्चियाँ जो हैं डिफरेंट शहरों से हैं, और यहाँ पर ये बच्चियों को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो आगे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकें और अपनी हेल्थ को, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा वीमेंस जो हैं मोटापे का शिकार है, हेल्थ के हवाले से उस वो काफ़ी सर्वाइव कर रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ इंजॉय करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में। और अगर हम चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल हैं वो वीरान हो, तो हमने अपने ग्राउंड को आबाद करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर FGA के ग्राउंड में, हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आप यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, वीमेंस आएँ, लड़कियाँ यंग आएँ, ताकि वो आगे स्पोर्ट्स पेस पे एडमिशन ले सकें और अपनी हेल्थ के हवाले से भी, वो जो मोटापे का शिकार हैं, उनको शुगर है और जो भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, हम यहाँ पर हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि वो इन बीमारियों से दूर रह सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो कि फ़िज़िकल हेल्दी एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व हैं, और ये बच्चे जो हैं अभी यहाँ पे गेम सीख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये अपनी एजुकेशन को भी हम इनके साथ प्रमोट कर रहे हैं। अभी एजिक है जो हमारे साथ है, जो बताएंगे कि यहाँ पे उसको कैसा फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और हम हेल्दी एक्टिविटी हैं और मेरे लिए बहुत अच्छा है। पहली बार ही हमें यहाँ पे एक ग्राउंड मिला है, अच्छा ट्रेनर मिला है। जी यशमाया हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ बात करेंगी। जी यशमाया, कुछ कहना चाहेंगी आप? यस, मेरा नाम शुमाया है, और यहाँ पे हेल्दी फिटनेस गेम सिखाई जाती है, और यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ फीमेल मिस्टर हैं, और हमें अच्छा लगता है। जी नाजरीन, हमारे साथ दो बहनें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि भट्टे से हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह वो यहाँ पे आए हैं और हेल्दी एक्टिविटी हमारे साथ यहाँ पे ग्राउंड शेयर कर रही हैं। जी, मेरा नाम किश्वर सलीम है, और हम चूनिया के छोटे से शहर में रहने वाले हैं, और हम भट्टे पे काम करते हैं। मेरा ये ड्रीम है कि हम स्पोर्ट्स के ज़रिए ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकें और स्पोर्ट फ्री एजुकेशन हासिल कर सकें। इसी तरह हम बहुत से इंडिपेंडेंट्स बन सकें, और इसी तरह हम बहुत से लोगों को आगाह करते हैं इस बात से कि वो भी यहाँ आएँ और ट्रेनिंग हासिल करें, ताकि जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं वो भी आगे जाकर फ्री स्टडीज़ हासिल कर सकें। मैं इधर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ हमें हेल्दी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, इसके बावजूद हमें कलाम के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, जो हमारी जिंदगियों के लिए बहुत रहनुमाई का बाइस बनता है। जी नाजरीन, हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है, और यहाँ पे हमारे साथ वो बात करेंगी। हेलो, गुड इवनिंग, मेरा नाम अलीज़ा हमीद है, और मैं शहर नारोवाल से हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मेडिकल में भी हमें सिखाया जाता है फ़िट रहना, और जिस तरह के पाकिस्तान में भी वुमेंस में जो बीमारियों की शरह है, जिस तरह मोटापा और बाकी सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो वुमेंस के लिए काफ़ी परेशानी का बायस हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर FGA ग्राउंड में आएँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ, यहाँ पर आप ज्वाइन करें, ताकि हम सब मिलकर हेल्दी जो है एक्सरसाइज कर सके, सीख सके, और स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपनी एजुकेशन को भी प्रमोट कर सके। थैंक यू। जी नाजरीन, हमारे साथ एक चैंपियन जो है पाकिस्तान का गर्व मौजूद है। यहाँ पे एक बच्ची 66 ट्रैक चैंपियनशिप साइकिलिंग में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और अब जो है ये अपनी मदर की वफात के बाद इसने गेम स्टॉप की थी, अब इसने फिर कम बैक किया है, और अब नए जज्बे के साथ ये इस ग्राउंड में मौजूद है ताकि ये अपनी फिज़िकल जो फिटनेस है उसको बहाल कर रही है, और नेक्स्ट जो है अपने जूनियर कैटेगरी के लिए परफॉर्म करने के लिए रेडी है। हमारे साथ कैरल पत्रस है, और हम इससे बात करेंगे। मसीमी, आप सबको सलाम। जैसे कि मिस ने आपको बताया, मैं जूनियर साइकिलिस्ट हूँ, और मिस रोमना मेरी कोच हैं, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें यहाँ पे फ़ीमेल कोच प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी लड़कियों को उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वो मेल कोचेज़ होते हैं, तो लड़कियाँ काफ़ी शाय फील करती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शुक्रगुजारी की बात है कि हमारे पास फ़ीमेल कोच है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। थैंक यू। जी नाजरीन, जोहानाबाद से हमारे पास दो बच्चियाँ हैं, जैसिका पत्रस और मुकद्दस आसिफ, तो हम इनसे बात करेंगे। मसीमी, आप सबको सलाम।
मेरा नाम जेसिका है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वॉलीबॉल हम यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं क्योंकि यौहानाबाद में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम वॉलीबॉल खेल सकें. सो स्पोर्ट्स हमने यहाँ पर आके ज्वाइन किया और इसी की वजह से हम लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ रहे हैं. मसीह में सबकी सलामती हो. मेरा नाम मुकद्दस आसिफ है और मैं खालिक नगर से हूँ. बेसिकली खालिक नगर से यहाँ पर हम आते हैं ताकि हम लोग वॉलीबॉल खेल सकें क्योंकि यौहानाबाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशे के अंदर मुबतला हैं, विमेन से लेके मेंस तक, जो कि बहुत ज़्यादा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है. हम चाहते हैं कि यौहानाबाद में एक ग्राउंड बने ताकि जो है हम विमेन पावर इम्पैक्ट कर सकें, ताकि तमाम जो है विमेन फिट हो सकें. और हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, हम यूथ को नशे से चाहे स्पोर्ट्स के जरिए बाहर निकालना चाहते हैं. जी, हमारे दरमियान एक बच्ची है जो कि ला पाकिस्तान साइकिलिंग क्लब का हिस्सा है और ट्रेनिंग के दौरान जो है ये इंजरी, इसकी कॉलर बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी और अब जो है, लेकिन फ्रैक्चर होने के बावजूद इस जज्बे के साथ यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद है कि वो अपनी फिटनेस को बहाल करेगी और दोबारा कम बैक करेगी साइकिलिंग में. हमारे दरमियान अलिजबत सलीम जो है वो मौजूद है और यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे. मेरी तरफ से आप सबको सलाम. मेरा नाम अलिजबत है और मैं गड़ीशो से बिलोंग करती हूँ और मैं मरी के लिए ट्रेनिंग कर रही थी. मरी जाने के लिए वहाँ पर हमारी एक साइकिलिंग की रेस थी जिसके लिए मैं ट्रेनिंग कर रही थी, जिसके दौरान मेरी ये इंजरी हुई. तो उसके बाद मैं इंजरी के बाद मैं नहीं उसको उस रेस को नहीं कर सकी, लेकिन मैं यहाँ पर आकर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में इन्वॉल्व करके अपनी फिटनेस को बहाल कर रही हूँ और मैं प्रॉपर रेस्ट पे नहीं जा रही, ताकि मैं यहाँ पर आती रहूँ और यहाँ से थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को इंक्रीज़ करके अगर मैं दोबारा साइकिलिंग करती हूँ इसको रिकवर करने के बाद इस इंजरी को, तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ. तो ये मेरे इस ग्राउंड में आना बहुत ही हेल्पफुल भी है और बेनिफिटेड भी है मेरे लिए और मे बी मैं जल्दी अपनी इस इंजरी को रिकवर करके अपनी साइकिलिंग के साथ मैं कंटिन्यू करूँगी. जी, हमारे दरमियान छोटे चैम्पियंस मौजूद हैं जो कि बड़े जज्बे के साथ ग्राउंड में मौजूद हैं और वो गलियों की एक्टिविटी को छोड़ के इस ग्राउंड में आए हैं. तो हम अयान से बात करेंगे कि वो कैसा फील करें यहाँ पे इस ग्राउंड में आके. मेरा नाम अयान है. जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं वो इधर आए हमारे स्पोर्ट और हमारे साथ स्पोर्ट्स पर ध्यान रख के, थैंक यू. और एक और चैम्पियन है जो कि बहुत जल्दी उसने वॉलीबॉल की स्किल्स को सीखा है और इसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, तो हम इनसे बात करेंगे. मेरा नेम है सोनम और जो हम यहाँ पे वॉलीबॉल सीखना आते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको कहीं चांस नहीं मिलता कि वो सीख सकें. बॉयज़ तो कहीं से भी सीख जाते हैं और स्पेशली क्रिश्चियन गर्ल्स को तो कहीं चांस ही नहीं मिलता. तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक इंटरनेशनल प्लेयर दिया जो हमें सिखाती है, थैंक यू. जी नाज़रीन, इस कैंप का जो मकसद है वो पाकिस्तान में हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करना है और जो हमारी यूथ है गलियों में बैड चीज़ें सीख रही हैं, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस ग्राउंड में आए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही कम है, 300 से है, जो कि बहुत ही कम कीमत है. उनके माँ बाप से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो ज़रूर अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें. और मदर, प्लीज़ हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आएँ और अपने अंदर जो भी बीमारियाँ ग्रो कर रही हैं आपके अंदर, हम उनको किल करना चाहते हैं. हमारे साथ इस मकसद में खड़े हों. एक जो हेल्दी वीमन है वो पूरे कुंबे और माशरे के लिए एग्ज़ाम्पल है, तो अपने लिए यहाँ पर आके एग्ज़ाम्पल को क्रिएट करें और हिस्ट्री क्रिएट करें. इसी मैसेज के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं. हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ खड़े हों. शुक्रिया.